जिस तरह से पंचायत चुनावों को लेकर आदर्श आचार संहिता का आगाज हो चुका है और यहाँ पर चुनावी चौपाले सजना शुरू हो गई हैं, इसी के क्रम में हम आए हैं आज उत्तर प्रदेश के संभल जिले में और संभल जिले के विकास खंड बनिया खेड़ा की ग्राम पंचायत करेली में, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि चुनावी चौपाल एक तरह से सजी हुई है और जो चुनाव मैदान में प्रत्याशी हैं वो एक दूसरे के लिए अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए ये चौपाले सजा रहे हैं। इसी के चलते हमारे साथ कुछ ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि वो किस तरह से अपना ग्राम प्रधान चाहते हैं, किस तरह से चुनना चाहते हैं, किस तरह से वो होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए या अन्य कोई उसके अंदर विशेषताएं होनी चाहिए। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं सबसे पहले ये ग्रामीण है यहाँ करेली के, तो इनसे जानेंगे कि किस तरह का प्रधान होना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? राम धोनी। अक्सर एक चीज़ बताइए, जिस तरह से कि पंचायत चुनाव चालू हो गए हैं और किस तरह का प्रत्याशी आपको चाहिए, किस तरह के प्रत्याशी को आप ताकि अच्छा होना चाहिए, जो कि उसकी थोड़ी बात भी हो, जो ना है कि दब बूथ के सबका आदमी हो, इनकी बात भी है, वैसे हर जगह बात है और स्वभाव भी बढ़िया है और अच्छा काम करने वाला आदमी है। किसी की भी काम की जो पड़ जाता है, जो ना बहुत से लोग इस लालच में होते हैं जैसे हम बड़े काम पर जाएंगे, ये छोटे काम वाले को भी कहते हैं कि हम चलो साहब काम बनो तैयार हैं। उम्मीद जाती है कि आपका हाँ खड़े मुझे तो। ये थे हमारे साथ इसी गांव के एक बुजुर्ग हैं और ये डॉक्टरी का पेशा करते हैं, अपना डॉक्टर हैं, ये गांव की सेवा करते हैं डॉक्टरी के जरिए से, और भी लोग हमारे साथ हैं, भैया हमारे साथ ये जुड़ेंगे, ये यहीं करेली के रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश चंद प्रजापति है। मुकेश जी, इस तरह से कि पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और किस तरह के आप प्रत्याशी को वोट करना चाहेंगे, कैसा होगा? मैं तो ये समझता हूँ और जाना भी हूँ अब तक कि प्रत्याशी जो भी होना चाहिए पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि उसे ग्राम विकास के बारे में, रोड के बारे में, गांव की सफाई के बारे में, आज तक कोरोना काल चला गया कभी हमारे गाँव में एक छिड़काव नहीं हुआ है, बीमारियाँ जब चाहें तब पसार जाती हैं हमारे गाँव में, रोड भी ऐसे ही पड़े हुए हैं, ऐसा प्रधान निकल के आना चाहिए जो कि हमारे गांव के विकास करे। तो आपको लग रहा है कि किस कौन प्रधान होना चाहिए, आपके यहाँ कोई ऐसा प्रत्याशी मैदान में है चुनाव मैदान में, इसको आप चाहते हैं? अब हमारे यहाँ 8 प्रत्याशी हैं, अब 8 में से वैसे तो हमारे लिए तो ब्रजपाल प्रजापति है, वो ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो और भी जानेंगे, इनकी राय सुनी भैया कि आप लोगों ने भी, क्योंकि ये विकास कार्य है और यहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित बातों को लेकर के इन्होंने अपनी बात रखी है। इसी के साथ एक बुजुर्ग है हमारे साथ, इनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है चाचा? हरजाई लाल प्रजापति। ये बताइए चाचा, किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए और क्या क्या उसके अंदर अपनी विशेषता होनी चाहिए? पढ़ा लिखा होना चाहिए और काम करने वाला होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो काम नहीं करे, हर समाज हर वर्ग को। और भी यहाँ पर युवा हमारे साथ जुड़े हैं, युवा भी बैठे हुए हैं, बच्चे भी हैं, कुछ युवा से बात करेंगे। यहाँ पर आप बैठे हैं, क्या नाम है आपका? युवा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो गांव का विकास कराए। जी बिल्कुल, जताई हैं और हमारा हमेशा साथ देते हैं, जो भी काम हो आधी रात तैयार रहती है। तो ये हैं हमारे साथ युवा जुड़े हैं और भी यहां पर मौजूद हैं, ये भैया बैठे हैं कि किस तरह का प्रधान चाहते हैं ये लोग। चुनावी चौपाल के चलते ये चर्चाएं यहाँ पर लगातार चल रही हैं और इनके बीच पंचायत वार्ता की टीम आई हुई है ये जानने के लिए कि ग्राउंड लेवल पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है। और हम जानेंगे, एक भाई हमारे साथ हैं, ये क्या नाम है? जी मेरा नाम नानक चंद है। जी नानक चंद जी, जिस तरह से की चुनाव प्रक्रिया शुरू होने में है, तो किस तरह का प्रधान चुनना चाहते हैं? जैसे कि मतलब जो है गाँव में सभी मतलब जो है प्रत्याशी जो भी हैं, मतलब जो है हमारे लिए तो वो ही अच्छा है, जो मतलब जो है गांव का विकास करा सके और मतलब जो है किसी की मतलब मदद में आ सके व्यक्ति, वो ही अच्छा है हमारे लिए। तो जैसे कि हमारे ये ब्रजपाल जी हैं, ये प्रत्याशी सही हैं, किसी भी व्यक्ति के काम में रात में दिन में कभी भी आ सकते हैं। हमने गाँव करेली में आकर के सभी जो वोटर हैं, बुजुर्ग हैं, जवान हैं, सभी युवाओं की हमने सोच को जाना है और उनकी इच्छाओं को अपने कैमरे में कैद किया है कि किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए। इसी के क्रम में यहाँ पर जो एक प्रत्याशी हैं ब्रजपाल प्रजापति, उनके पुत्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे जानेंगे कि उनकी क्या सोच है, क्या किस तरह से जो वोटर हैं उनके लिए
अपना सहयोग करेंगे, किस तरह से जीतने के बाद में उनकी इच्छाओं का पालन करेंगे या किस तरह से उनका जो है साथ देंगे। तो अभी स्वागत है आपका पंचायत वार्ता में। जिस तरह से कि लोग आपकी चुनना चाहते हैं, आपकी क्वालिटी को देख करके या विशेषताओं को देख करके, क्या कहेंगे, किस तरह से आप उनका साथ देंगे? मैं बहुत ही अच्छा मतलब विकास वगैरह भी कराऊंगा ग्राम करेली, जो भी कार्य है ग्राम करेली में, विकास खंड बनिया खेड़े से आएंगे ग्राम पंचायत के लिए, वो मैं अच्छे ही कार्य कराऊंगा और गरीबों का साथ दूंगा भरपूर, तन से मन से जो भी है मैं वो भी करूँगा। सबसे ज़्यादा तो मेरे लिए ये है कि मैं गरीब लोगों का ही साथ लेके चलूँगा। हाँ, मैं गांव के लिए मतलब अच्छा करना चाहता हूँ कि अच्छे बच्चों के लिए खेल कूद है और विकास है, सड़कें हैं, अच्छी शिक्षा है, बिजली व्यवस्था है। जैसे बिजली हमारे यहाँ की बिगड़ी हुई है, उसकी बिजली की भी व्यवस्था। प्रधानी को लेकर हर कोई प्रत्याशी प्रयास करने में जुटा है, जीतने के लिए रात दिन एक करने में लगा है। प्रत्याशियों के पुत्र, भाई, रिश्तेदार वोटरों से लगातार संपर्क कर रहे हैं। वहीं महिलाएं भी पीछे नहीं हैं, वह भी अपने परिजनों को जिताने के लिए महिला चौपाले लगा रही हैं, घर घर जाकर दूसरी महिलाओं को समझाने में लगी हैं। जिस तरह से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर चुनावी चौपाले सज रही है और इस चुनावी चौपाल के दौरान प्रत्याशियों के परिवार से सभी अपना अलग अलग दमखम दिखा रहे हैं, इसी के चलते हम पहुंचे हैं बनिया खेड़ा ब्लॉक के गांव करेली में। और करेली में प्रत्याशी हैं ब्रजपाल प्रजापति, उनकी पत्नी ने अपनी एक अलग चुनावी चौपाल सजा रखी है महिलाओं के साथ। अब उनसे हम जानेंगे कि महिलाओं के क्या क्या मुद्दे हैं और किस किस तरह से वो वोट करेंगे और किस किस तरह से प्रत्याशियों के अपने विशेषताएँ होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम जुड़ रहे हैं, एक महिला हैं, वृद्ध महिला हैं, जो कुछ कहेंगी और अपने वोट को किस तरह से किस प्रत्याशी को देंगी वो सारी बातें हम जानेंगे। अम्मा, क्या नाम है आपका? रामकली। अच्छा, कहाँ रहती हो? करेली। जिस तरह से वोट पड़ने हैं, प्रधान चुना जाना है, कैसे प्रधान होने चाहिए? अच्छे होने चाहिए। क्या क्या चीज सुविधा आपको करे कुछ बताएंगी आप? सुविधा का हमारा तो छप्पर फूसू ना हो, हम तो पन्नी में रह रहे हैं हमारी लौड़ा। अच्छा। अब तो जो है अब तो उल्टी सीधी लगा लेंगे गाड़ी सारे से, तो वहाँ पर ही रहते। आप ये चाहती हो ऐसा प्रधान बने कि आपको आवास मिल जाए? हाँ, मिले आवास। इसी के साथ और भी एक माता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, यहाँ वृद्धा हैं काफ़ी, और इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? शकुंतला। किस तरह का प्रधान चुनना चाहती हो, कैसा होना चाहिए? प्रधान अच्छे चुनना चाहते हैं। क्या करें वो आपके लिए, क्या क्या काम है? हमारे लिए फिल्टर बने, हमारी कॉलोनी बनवावे और हमारी रहने की सुविधा अच्छी हो जाए तो अच्छी बात है। अरे हम बीमा दे रहे हैं भारत गृह चार फेरा, हमारे लौड़ा ने इलाज करवाओ, बताओ कहाँ तो करवाने मोहताज हम लौड़ा हमारे। तो पहले प्रधान चुने गए थे, उनने कुछ ना दिया, कॉलोनी दही बहुत लौटा ली आदमी ने, गाँव गिन लौटवा दी। साहब, जो प्रधान जिस तरह से चुनाव मैदान में गए उनको चुनना चाहते हैं, तो हम तो जो बात पहले कह रहे हैं और अब कह रहे हैं, हम तो हाँ उम्मीद है उनसे, राजी राजी को राजी हम तो कहेंगे इनसे, और ना करेंगे तो भैया कोई बात ही ना, जबरन मतलब चौकाऊ को मारेंगे ही नहीं, और उन्हें इच्छा होगी तो करेंगे ही हमारी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अलग अलग राय महिलाएं दे रही हैं, वृद्ध महिला हैं, इनसे जाना हमने। हमारे साथ पीछे आपके जुड़ी हैं एक युवा महिला है, और उनसे जानेंगे कि किस तरह का प्रधान होना चाहिए और किस तरह के प्रधान को हम वोट करें और क्यों करें। क्या नाम है आपका? हमारा रामकली नाम है। बताओ कि किस तरह का प्रधान चुनना चाहिए? हम तो ये चाहते हैं कि जो कुछ भी अगर गरीब लोगों को आ रहा हुआ है वो मिलना चाहिए, और जब प्रधान लोग ना सुनते हैं तो उनके सामने क्या कहा भाई, वो तो बैठ जाते हैं सुन के कह के। जिस तरह से अब चुनाव चल रहा है, सभी आएंगे, सभी वादे करेंगे, तो आप कैसे प्रधान को वोट करेंगे? वोट अब जो बनना चाहिए वो बढ़िया बनना चाहिए प्रधान, हम तो ये करेंगे आगे। तो क्या क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद हमारी यही है कि जो चैन से रह रहे हैं उसी चैन से रह चले हमें, और का चाहिए। तो कौन आपको अच्छा लग रहा है, कौन प्रधान है? अब अच्छों का लग रहा हुआ, अब अच्छे तो हमें तो मायावती हमारे मोहल्ला में बन रही है, हमें भी अच्छी लग रही है, अब भी आगे को उनको विकास रहेगा कर चलाएंगे। मायावती कौन जी हैं? तो प्रधान ही बन रही है।
ब्रिज पर। तो इस तरह से जाना कि यहाँ पर ये महिलाओं ने अपनी अपनी बात रख रही हैं। हम तो ये चाहता है हमारी सुविधा करें, हम तो वही इन्हें कोई करेंगे, सही है ना। हमें तो कॉलोनी मिले, विधवा पेंशन मिले, हम पैसे परेशान हैं, अपने पैसे जीवन से परेशान हैं। हम तो जो ही चाहते हैं, अब तक जो प्रधान रहे हैं, हाँ उन्हें ना कुछ कुछ ना दो, हमें कुछ भी ना दो, लैटरी तलक ना दीजिए। तो आप देख रहे हैं किस तरह से महिला अपने अपने विचार रख रही हैं। अब हमारे साथ मौजूद हैं जो ब्रजपाल प्रजापति यहाँ पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनकी पत्नी, उनसे जानेंगे कि वो किस किस तरह से लोगों के बीच जा रही हैं, किस किस तरह से महिला को समझा रही हैं और कैसे अपने आप को मजबूत करने का प्रयास कर रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा मायावती जी। मायावती, मायावती जैसे कि आपके पति प्रधान पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, तो किस किस तरह से आप महिलाओं से जा रही हैं? मैं तो ये मैं यही चाहती हूँ मेरे गरीब गुरबों लोगों को, महिलाओं को जो सुविधा मेरे प्रधानी में हो सके वो मैं उनको अपने हाथों से दान कर सकती हूँ, जितनी मेरी बस की होगी मैं अपनी गरीब लोगों को कर सकूँगी। आपसे महिलाएं मिल रही हैं, कह रही होंगी हमारा ये नहीं है वो नहीं है, हाँ मैं बराबर उनकी सुविधा बराबर करेंगे। इस प्रेत में अगर मैं प्रधान हो गई तो मैं अपनी गरीब लोगों की सुविधाएं कर सकूँगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के दूसरे चरण के नामांकन प्रारंभ हो गए हैं। गेहूं की कटाई और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव दोनों अपने चरम पर हैं। प्रधानी पद के दावेदार घरों के अलावा जंगलों में जाकर भी अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दावेदार हर हाल में अपने पक्ष में मतदान के लिए वोटरों से वादा ले रहे हैं। वहीं वोटरों को भी अपने भावी प्रधान से काफ़ी उम्मीदें हैं। कोई अपने लिए आवास की आस लगाए बैठा है तो कोई अपने मोहल्ले की साफ सफाई की। वहीं महिलाएं उम्मीदवार भी काफ़ी उम्मीदों में बैठी हैं। गांव की बुजुर्ग महिलाएं डबडबी आंखों से वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन की बाट जोह रही हैं। अब देखना यह है कि जो भी जनता से वादा कर रहे हैं और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, चुनाव में जीतने के बाद जनता से वादे पर कितना खरा उतरेंगे। पंचायत वार्ता के लिए जयदेव सिंह के साथ विनोद राघव की खास खबर।